अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शहराज गार्डनिंग गाइड खुश आमदीद। वेलकम कि जनाब तुम अपनी गार्डनिंग अपने काम से उम्मीद करने सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे। चलो दोस्तों आज असी किचन गार्डन ते हाँ, अपने किचन गार्डन ते। ठीक है, अलहमदुल्ला असी यह पुदीना लाया सी माशाला। अलहमदुल्ला साडा कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आके विखाए। यह माशाला कौंपलां लाइया सन पुदीने दियां, माशाला अलहमदुल्ला बड़ा ही खूबसूरत तो बड़ा ही अच्छा होया। तुम भी ये वास्ते टिप्स है कि जनाब तुम भी कौंपलां कट के लाओ, जिस तरह कि तुम किश्त नंबर तकरीबन एक वेख्या कि कौंपलां कट के एक क्रुंबलियां कट के असा लाइया, तो यह साडा माशाला अलहमदुल्ला हो गया। दूसरा पार्ट भी विखाने तुहानू माशाला अलहमदुल्ला अल्लाह के हुक्म नाल। एक ऐ चीज़ है, यह साडा लैमन ग्रास है। एक ऐ दो थोड़ा अगे आओ जी, थोड़ा अगे आओ, थोड़ा अगे आ जाओ, आ जाओ। ए वाला माशाला जरा ना दोस्तों, ये ना असी लाया सी एलोवेरा, तो एलोवेरा दे विच असी ए जिहड़ी पनीरी उगी है ना, ये असी अंजीर जिहड़ी सी ना अंजीर वो खराब हो गई, खाण दे काबल ना रही, फुल पक गई, पकन तो बाद जिहनूं गल गई कहिंदे ने, ते असी जनाब इहनूं इहदे विच बीज ला दित्ते ते माशाला अलहमदुल्ला साडे ए वी बीज उगे ने। ठीक है, यह फुल निकलिया साडी रिहान नूं तुलसी नूं। ठीक है, ये बहुत ही हैल्दी हुंदा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा हुंदा, खाने के काबल, खुशबू भी अच्छी होंगी जनाब। ऐ माशाल्लाह साडा भी काम है। इस पुदीने नालों असी कटिया सी ते फिर वेखो किड्डा वड्डा हो गया, फिर ये माशाल्लाह तैयार हो गया। एक चीज़ है वो साडा कैमरामैन थोड़ा नज़दीक हो गया विखाए, बिल्कुल करीब हो गया साडा कैमरामैन विखाए जी। एक ऐ वेखो, ऐ ते साडी घास फूस उगी है ना, जड़ी बूटियां उगियां ने। तो दोस्तों ऐ वाली जी उगी है ना, इहदी पनीरी है इसे पौधे की, बीज लगे सन तो ये ही असी घेरते थे। ये है कड़ी पत्ते का पौधा, ए कड़ी पत्ते का पौधा जी, वखाओ जी, ए कड़ी पत्ते का पौधा। अगे चलने आओ, यह असी आधार रखे हुए ने अपनी। तो यह वेखो दोस्तों ताड़े वास्ते हुण टिप्स है, आइडिया है, वखाओ जी, इतने नज़दीक होकर थोड़ा वखाओ। ये असी सफाई भी करनी है माशाला अलहमदुल्ला, असी यदि सफाई करनी है। यह साडा कद्दू शरीफ उग गया। ये दोस्तों असल गल ये है कि तुहानू हुण टिप्स जिहड़ा देना है, आइडिया जिहड़ा देना है, काम करन दा तरीका जिहड़ा दसना है, जिहड़ा साडे कोल देसी जिहा। ठीक है जी, वो असी काम ये करना है कि इहदे विच दो दो बीज लाए सन, यानी कि चार, दो इधर तो दो उधर, दो उत्थे तो दो उत्थे कद्दू। ठीक है, यह बीज यह पौधा असी तलफ कर देना। ठीक है जी, एक ऐ तलफ कर देने, तलफ का मतलब जाया कर देने। हुण इह साडियां दो दो वेलां नी, ते इह दो वेलां इस साडी टोकरी च ना ठीक रहणगियां, ते सैट रहणगियां, ते फ्रैश रहणगियां। इह चार लाण दा मकसद की सी दोस्तों, अल्लाह दी मर्जी है ना, उगना ना उगना ते अल्लाह दी मर्जी आ। असीं ते इह दावा ते करदे नहीं कि सारे साडे बीज उग जाणगे। ठीक है, लो जी इह वी असीं सफाई कर लई है, अगले पासे चलने आ जी। एक ऐ इहदे विच साडे ना चार बीज लाए सन, तो एक ऐ उग गया, तो इधर दो उगे ने, यानी कि एक मिस हो गया, यह भी अं अखेर के जाया कर देना। ठीक है, मकसद ये है कि चार बीज ला दा कि बाजुकात नहीं उगता बीज, तो तुहाडी टोकरी जाया न होए। किश्त नंबर दो दोस्तों असी तुहानू करके विखाया कि असी ला रहे हैं अज करेले दे बीज, तो हुण करेले नू लाए नू तकरीबन एक हफ्ता हो गया। साडा कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आए विखाए, असी हुण इत्थों थोड़ा फोलांगे, वेख रहे हाँ कि साडा करेले का बीज उगया क्यों नहीं, आया कि वो ये उगन के काबल भी हैगा कि नहीं। इत्थे लाया असी, जे तो उगन के काबल होएगा तो ठीक है, तो जे नहीं तो जनाब ये अल्लाह की मर्जी है, असी तो कुछ कर नहीं ना सकते। इत्थे लाया असी, हाँ ऐ बीज लो जी, ये उगन के काबल है, यह बीज है, ये उगन के काबल है, हले ये ना गलिया तो ना ये फटिया, यानी कि ये उग जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उग जाएगा बीज। ये करेले का लाया सी। ठीक है जी, हूँ असी तुहानू एक होर वरायटी, इस जिस तरह के तुहानू पहलियां किश्तां च विखाया गया कि जनाब ऐसा तुसीं अपना टाट जी रहना, यह बनी हुई मट्टी असीं पहलां लगा के रखी है, बिस्मिल्लाह इस तरह के बनी हुई मट्टी पहला दी लिया के रखी है, तो जनाब ये तर बतर मट्टी होनी चाहिए, बहुत ही सुक्की नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ही गिली खोबा भी नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि जो अजकल सावन भादरों के दिन ने ना जब तर मट्टी च घूम लग गए तो आपे बीज उग जाता पानी देने की कोई जरूरत नहीं होती तो पानी जला दे भी दे दे फिर भी कोई इतराज नहीं जनाब अल्लाह की मर्जी है जो बारिश होते आ भी जाए थे ठीक है जी। हूँ असं अज तू बीज होर एक वरायटी का ला के विखा है साढ़े नाल ना रहना तो तुझेन यही है कि हफ्ता बार तू देना एक किश्त हफ्ते एक दिन वीडियो तू किचन गार्डनिंग की देिए घर के मामला अपना तुम पौधे तैयार करो तो अपने को बड़े मामलात ने तो इंशाला करते जावे तुम इंशाला साढ़े वाल वेख के घर करने की कोशिश करो अल्लाह मदद करेगा इंशाला इंशाला। ए असी थोड़ा थोड़ा इन फोल्ड तां करने हैं कि जरा उलझ पुलझ जी है ना वो मुक जाए ठीक है जी। ए लो मट्टी कोई स्पेशल भी नहीं थी एडी आम भी नहीं मैरे की मट्टी है ये पालन रली हुई है देसी रूड़ी ये रली है तो ये जनाब अं इस्तेमाल करनी है थोड़ी बच गई है तो इंशाल्लाह फिर अगली किश्त वेखा जरूरत पेगी तो मजीद असी ले आवेंगे। लो जी बिस्मिल्लाह जेड़े साढ़े बीज ने वो ऐ ने साढ़े पंजाब जी इन तोरी कहते हैं काली तोरी ठीक है तो कई लोग कहते लोगी भी कहते लोगी पता नहीं लोगी का सानू नहीं पता पर यह पता है कि इनू काली तोरी कहते हैं ये काली तोरी के बीज ने चार तो लाने चार ही ने जो लाग आएगा तो फिर ये वारदात वेखा इंशाला। लो जी बीज ला के विखाने तू बीज के वेखो दोस्तों निशान बनया हो अगे ए थोड़ा जहा कट ए कट बनया हो इस साइड से कट बने ठीक है जी इस साइड से जिस तरह के यह कट वाली साइड है तो यह साइड प्लेन है यह कट वाली साइड उपर करनी है ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तू मददगार बीज असी दोस्तों चार ही लाने ने ते ए ला रहे हैं असी काली तोरी दे बीज जिस तरह के पहला अं थोड़ा थोड़ा दबा देना इनू दबा के साढ़े नाल ना रहना इंशाल्लाह अल्लाह करम करे अल्लाह ने मौका दिता तो ये किचन गार्डनिंग तो फल भी उतारांगे तो फल फिर खावांगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताड़ी साड़ी जिंदगी दे। लो जी एक तकरीबन साड़ा काम हो गया मुकम्मल समान साढ़े कोल है ताड़ी सामने है एक इंची पई है एक छुरी पई है ये चेक किया तो ये सफाई की दिया थोड़ी सफाई रही है करने वाली ये भी कर देने ये है साड़ा असल टारगेट है चार वेल असल ठीक है अगे भी उगन गियाँ तो इंशाल्लाह फिर तुहानू विखावांगे यानी कि एक पीस च एक टोकरी च दो बेला। लो दोस्तों माओ भैनों बजुर्गो बेटियो साड़ा चैनल सब्सक्राइब करो बैल आइकॉन के बटन नू दबाओ तो आने वाली वीडियो का इंतजार करो उन्नी देर तक जनाब अपनी मेज़बान को इजाजत अल्लाह हाफिज।